सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। बांदा जनपद में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद हर्ष फायरिंग करने वाले नशे में धुत आरोपी फरार है, वहीं युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना गिरवा थाना क्षेत्र के बनसका गांव की है, जहां शिवदयाल के घर में तिलक समारोह चल रहा था। बताया जा रहा है कि तभी दारू के नशे में धुत पूर्व प्रधान कामता कुशवाहा व लखन आए और दोनालू बंदूक से फायरिंग कर रहे थे। फायर के दौरान बंदूक हिल गई और सीधे राजाबाई को लगी। राजाबाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवती सोना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है, खुशियां मातम में बदल गई हैं। पुलिस घटना की छानबीन कर कार्रवाई कर रही है। सोनल, अच्छा सोना देवी, क्या घटना हुई थी, क्यों गोली चलाई, कौन थे ये? अच्छा, क्या हुआ, क्या है? उन्होंने गोली चलाई तो एक औरत की लग गई, खत्म हो गई और मेरे बगल से ही लग गई पैर। अच्छा, किन्होंने गोली चलाई थी, कौन है ये? कामता प्रसाद। कई लोग थे ये लोग गोली चलाने में? दो लोग थे। तो क्या दोनों गोली चला रहे थे, अलग अलग बंदूक लिए थे? नहीं, एक लोग, एक ही बंदूक लिए थे दो लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिवदयाल है। क्या घटना हुई है? सर, तिलक कार्यक्रम था, मेरे चाचा के लड़के का तिलक करने आए थे कुछ लोग, जो है उसका नाम कामता प्रसाद और लाखन सिंह, दोनों दारू पीकर के आए, दोनों आली बंदूक लेकर। पहली फायरिंग किया सीधा सीधा, दूसरी फायरिंग भरने लगे तो मैं गोली छोड़ गई। मेरी चाची राजा भाई का मौके पर ही मौत हो गई है और मेरी लड़की सोना देवी का पैर में गोली लगी। कौन गाँव के रहने वाले हैं? गाँव का नाम, मैं गाँव बनसखा का रहने वाला हूँ सर। मेरा नाम सुधर, मेरे पिताजी का नाम बाबा दीन है। थाना गिरवा लगता है सर, जिला बांदा। ये दो गनशॉट इंजरी केस आए हमारे पास में, ये बनसका गिरवा क्षेत्र के हैं। 108 एम्बुलेंस द्वारा लाए गए हैं, जिसमें एक मृत लाया गया राजा बाई, 55 साल की फीमेल है, इसको मृत लाया गया, और एक लड़की है सोना देवी, 16 साल की, इसको राइट पैर में गोली लगी हुई है। हालत सामान्य है, भर्ती करके उपचार दिया जाए। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।